हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप के कातिल रमीज खान के बारे में, जो कि पेशी पर आया था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्लभ कश्यप को मारने में केकेसी गैंग के कई मेंबर शामिल थे। उनमें से ही एक केकेसी गैंग का मेंबर रमीज खान था, जिसने दुर्लभ कश्यप को अपने हाथों से चाकू मारे थे, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप को मारकर रात को उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। फिर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनमें से कईयों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था, जिनमें से ही एक रमीज खान भी है, जिसको कि दुर्लभ कश्यप की हत्या करने के केस में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, और वो जब से अब तक जेल में ही हैं। दोस्तों, आज से कुछ समय पहले पुलिस प्रशासन ने रमीज खान के घर पर एक्शन लिया था, क्योंकि रमीज खान ने अपने घर को गैर कानूनी जमीन पर बना रखा था, जिसके चलते पुलिस ने उसको तोड़वा दिया था। इस प्रकार केकेसी गैंग के रमीज खान की पुलिस प्रशासन ने जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रमीज खान कुछ दिनों पहले पेशी पर आया था, जिसकी वीडियो आप देख सकते हो। दुर्लभ कश्यप के हत्यारों में से एक ये भी है, और इसके साथ कई अन्य साथी भी अभी जेल में ही हैं। वो भी दुर्लभ कश्यप की हत्या करने के केस में जेल में गए हैं। दोस्तों, रमीज खान के साथ सोहेल नाम का बंदा भी पेशी पर आया था। वो दोनों एक साथ पेशी पर आए थे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इनके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।